आप सबका आपके अपने चैनल चॉकलेट इंडस्ट्री एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी को जो हमारा थंबनेल है वो दिख चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छी खुशखबरी हम आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट उन बच्चों से करना चाहूंगा जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो और जो स्टडी का मटेरियल है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जामिया और एएमयू की जो स्कूल के एडमिशन फॉर्म है वो आ चुके हैं और हमारी जो एक वीडियो है कि उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा वो भी हम आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि किस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो भी हमने आपको वीडियो के थ्रू पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको उसमें बताया है। तो आप उसको आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आप अंत तक बने रहिए क्योंकि इस बार हम ईद के शुभ अवसर पर एक बहुत अच्छा आपके लिए सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं कि आज हम आपको चॉक एंड डस्टर जो टीम है, एक चैनल है, हम आपको किस तरह से आज खुशखबरी देंगे। तो कुछ बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि आप सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को पता है कि जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। तो इसमें अब से हम जैसे शुरू कर रहे हैं, पहले हम यूजी एंड पीजी के कोर्सेज थे और टीजीटी पीजीटी वगैरह के भी कोर्सेज हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे थे। अब हम उसके बाद अब हम कदम रख रहे हैं, अपना एक नया शुरुआत कर रहे हैं क्लास सिक्स के लिए। ठीक है, जल्द ही और भी क्लासेस के लिए आएंगे, हम स्कूल की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, डिग्री कॉलेज के बाद जब हम स्कूल पर आ चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हम बच्चों को वहां पर भी प्रोवाइड करवाएं और उनको सही गाइडेंस दें। ठीक है, तो अब हम चालू कर रहे हैं क्लास सिक्स के लिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं थंबल में भी और मेरे यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, क्लास सिक्स के जो बैच हैं वो ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, ये किस किस स्कूल के होंगे, किस किस मोड में होंगे हमारे, तो हम आपको बता दें कि ये हम शुरू कर रहे हैं जामिया और एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं इनके लिए। ठीक है, तो हाल ही में अभी फॉर्म आए हुए हैं, आप उसको फॉर्म को डिटेल्स भरने के बाद आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए और सब चीजें कहां से हम इसकी तैयारी करें उस सब चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ पॉइंट बनाए हैं किस तरह से इसमें तैयारी होगी। इससे पहले मैं बता दूं, इसमें हमारे हमने रखा है एक रजिस्ट्रेशन कि आपको 13 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको, 9045220432। आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा ताकि आप उसको आराम से देख के और रजिस्ट्रेशन करवा सके। ठीक है, इसमें हम सभी डिटेल्स बता देंगे किस तरह से इसकी तैयारी होगी, क्या इसकी फीस होगी, उस सभी चीजों की जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हम इस कोर्स में जो हम करवाएंगे इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे आप सभी बच्चों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास सिक्स ऑनलाइन बैच हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हमने 5 क्लास इन ए वीक, यानी कि आपको जो क्लास मिलेगी वीक के अंदर, ठीक है, वो 5 क्लास हुआ करेंगी आपकी। ठीक है, ऑनलाइन कोई से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती है वो। ठीक है, जो भी आपके पास सुटेबल होगा, जो भी आप जिस पे उचित समझेंगे या जिस पे आपको सही लगेगा, हम उस पर आपको 5 क्लास दिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, तो जैसे कि हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वीकली टेस्ट। ठीक है, जैसे ही हमारी 5 वीक का जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आता है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, मैथमेटिक्स आता है आपका, और साइंस भी आती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कुछ कोर्स कंप्लीट होगा वीक का, ठीक है, जो 5 क्लास का वीक का होगा, जो भी सिलेबस होगा उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका एक वीकली टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसकी डेट अनाउंस जो करा करेंगे हम आपको बता दिया करेंगे उसी क्लास के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोवाइड नोट्स। जो भी नोट्स हुआ करेंगे वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाया करेंगे। ठीक है, उसी क्लास में टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, जिस भी तरह से आप, जिस भी मोड से आप लेना चाहते हैं, उसकी जो नोट्स हुआ करेंगे उसको हम प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो हमारे कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जो हमें लगता है अपनी दृष्टि से कि इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी हम उसमें शामिल करेंगे। ज्यादातर ध्यान दिया जाएगा उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ पर ड्यूरेशन कोर्स। ये जो ड्यूरेशन कोर्स यहाँ पर बता रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो कोर्स है क्योंकि एग्जाम डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है जून में, जैसे जामिया वालों की हो चुकी है, ठीक है। एएमयू की अभी कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं आई है कि उनकी एग्जाम डेट कब होगी, जामिया की आ चुकी है डेट, ठीक है। क्लास सिक्स की में भी शायद 23 जून में समथिंग होगी उसकी, ठीक है। और तो आपको जो कोर्स है वो 2 से 3 मंथ में हम कंप्लीट करवाएंगे, तो एक क्रैश कोर्स की तरह होगा, इसमें फास्ट हम काम करेंगे, फास्ट फास्ट इसको सिखाएंगे, ठीक है। तो कोर्स ज्यादा है हमारे पास, सब्जेक्ट ज्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम जितना से जितना मैक्सिमम उसको टाइम दे सकते हैं उतना टाइम हम लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 महीने का ही हमारा कोर्स होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस, ठीक है। तो जो बच्चे एग्जाम्स में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए भी, हम उसको बाद में आपको अनाउंस कर देंगे उसके लिए, ठीक है। तो उनके लिए एक स्पेशल गाइडेंस दी जाएगी, किस तरह से आपको एग्जाम क्रैक करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपना टाइम मेंटेनेंस करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको पहले से ही शुरुआत में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें हम ये सब चीजें बताएंगे स्पेशल गाइडेंस में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्स पॉइंट हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो एक पॉइंट हम ऐसा रखा करेंगे उसमें कि जो भी आपके आस के जो बच्चे होंगे, जो आपके क्लास में होंगे उस समय पर, ठीक है। तो एक ग्रुप डिस्कशन का टाइम रखा करेंगे हम लोग कि जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया है उसमें आप अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। एक डे रख लेंगे स्पेशल कि उसमें पूरा हम ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हुआ करेंगी, ठीक है। उसमें पूरे के पूरे दिन बैठे हम नया क्वेश्चन ना पढ़ा के जो आपकी क्वेरीज हैं सब चीजें उसमें सॉल्व करने की कोशिश करा करेंगे और आपको 100% अपना देंगे, ठीक। उसके बाद आपको सेवन पॉइंट आ जाता है हमारे पास मंथली मॉक टेस्ट। जैसे कि हमने बताया कि ये ड्यूरेशन कोर्स होगा 2 से 3 महीने का, तो जैसे ही एक मंथ का कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, एक मंथ के अंदर जितना हमने पढ़ा है उसको कंप्लीट होगा, उसमें एक हमारा मंथली मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसका रिजल्ट भी अनाउंस करा जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपने कितनी तैयारी करी है और आपको कितनी तैयारी की। और हम जो कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 2 से 3 महीने बाद, ठीक है, 2 से 3 महीने बाद जो फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको 15 से 20 तक जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकें। तो ये सब 7 पॉइंट है हमारे जो हम अपने कोर्स में अवेलेबल आपको करवा रहे हैं। तो इसी चीज को मैं दोहराना चाहूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है ईद से पहले यानी कि 13 तारीख से पहले पहले आप करवा लीजिए, और उसके बाद आप की जो क्लासेस हैं वो ईद के बाद शुरू हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, 20 मई से यानी कि आपकी क्लासेस शुरू हम कर देंगे, ठीक है। तो आप अपना हमारा व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूं, 9045220432 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, फेसबुक पर भी एक्टिव हैं, तो आप अपनी क्वेरी वहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उस इन सोशल मीडिया पर हम एक्टिवेट रहते हैं, हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस और टाइम टू टाइम मदद करने के लिए। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िए ताकि उनको सही गाइडेंस मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।